हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इसके अंदर एक और भी टॉपिक है जो कि हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये दोनों ग्रुप ट्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के न्यू बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हम एक और ग्रुप ट्रेंड को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले भी इस चैप्टर की दो वीडियोस आ चुकी हैं, और वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आते हैं हमारे इस टॉपिक पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये इसका ग्रुप ट्रेंड क्या है, ये एलिमेंट्स में ग्रुप में नीचे जाने से इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है क्या। द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट इज़ नोन एज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कैरी आउट करने की जो मेजरमेंट है उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि कोई मटीरियल कितना इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पास कर सकता है या फिर नहीं। सपोज़ हमारे पास एक मटीरियल है, एक रॉड है, और इस रॉड के एक टर्मिनल पर हमने एक इलेक्ट्रिक वायर लगा दी है। अब ये इलेक्ट्रिकल वायर यहाँ से लगाई है तो इसके अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर भी हमें करंट फील हो सकता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक करंट जो है इस रॉड में से फ्लो कर रहा है, तो ये सब्सटेंस जो है ये कंडक्टर है, ये कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है इन एलिमेंट्स की, इन्हें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। अब कौन सा एलिमेंट कितना कंडक्टर है, कंडक्ट करता है या नहीं करता, ये हम डिस्कस करते हैं ग्रुप ट्रेंड्स में। तो आइए देखते हैं कि ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं पीरियडिक टेबल के अंदर, उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या है। तो सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप 1A, जिन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये एक्चुअली क्या है, मेटल्स हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स कंडक्टर हैं या नहीं। दे आर गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी इंक्रीज डाउन फ्रॉम द लिथियम टू सीजियम। तो ये जो हैं ये गुड कंडक्टर हैं, ये अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके लास्ट शेल में जो फर्स्ट लास्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास कर सकती है। और इनकी कंडक्टिविटी जो है लिथियम से सीजियम तक, मतलब डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। बढ़ती क्यों है, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ़ शेल बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा फ्री हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उस इतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी और इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो जैसे ही लिथियम से सीजियम तक नीचे अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ग्रुप सेकेंड ए पे आते हैं, जो 2A ग्रुप है, इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। तो ये जो है एक्चुअली मोर कंडक्टर्स, ये अल्कली मेटल से 1A ग्रुप से भी ज़्यादा कंडक्टर्स हैं, अल्कली मेटल से भी ये अच्छे कंडक्टर हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को और भी ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करते हैं। अब क्यों इनसे अच्छे तरीके से क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास दो लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनके पास दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि अल्कली मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन था। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और इनकी भी वही होगी, जैसे डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, तो 2A ग्रुप की भी डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। अब आते हैं 3A ग्रुप पे, दे आर मॉडरेट कंडक्टर, बी इज़ मेटलॉइड। तो बोरॉन जो है ये एक मेटलॉइड है। तो जो मेटलॉइड होते हैं, एक्चुअली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। जो मेटलॉइड होते हैं वो सेमी कंडक्टर होते हैं, वो मतलब ना ही मेटल हैं तो ना ही नॉन मेटल हैं, मतलब आधे मेटल हैं आधे नॉन मेटल हैं। तो वो कभी कभी जो है वो
कंडक्ट कर भी लेते हैं सही से और कभी कभी सही से नहीं भी करते। तो मेटेलाइट जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। सेमी कंडक्टर मतलब है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो बोरॉन जो है ये मेटेलाइट है। 3A ग्रुप में जो बोरॉन है ये मेटेलाइट है, ये सेमी कंडक्टर है, ये अच्छे से सही से कंडक्ट नहीं करता। बाकी के इसके जो एलिमेंट्स हैं ये मॉडरेट कंडक्टर हैं, मतलब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा अच्छे मेटल नहीं हैं तो ये अच्छे से गुड कंडक्टर तो नहीं कहलाते, लेकिन ये मॉडरेट कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रुप 4A पे। 4A ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये एलिमेंट्स की थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट किस तरह से है, सबसे पहले आता है कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है तो ये नॉन कंडक्टर होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करता क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरे उसके बाद आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इनके अंदर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये सेमी कंडक्टर्स हैं क्योंकि ये दोनों मेटेलॉइड हैं, तो मेटेलॉइड सेमी कंडक्टर्स होते हैं और ये सही से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते बल्कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। टिन और लेड ये मेटल्स हैं तो ये गुड कंडक्टर हैं। अब इनके अंदर कुछ कैटेगरीज आ गई, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, गुड कंडक्टर। नॉन कंडक्टर में कार्बन और सेमी कंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम और गुड कंडक्टर में टिन और लेड। तो एक ग्रुप कुछ इस तरह से डिवाइड हो गया है। 5A में भी ऐसे ही है, डिफरेंट है। जैसे कि नाइट्रोजन है ये नॉन कंडक्टर है क्योंकि नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होते हैं। फॉस्फोरस जो है ये पुअर आर सेमी कंडक्टर है, इस तरह से जैसे क्योंकि मेटेलॉइड है तो ये पुअर कंडक्टर है। एंटीमनी और बिस्मिथ ये जो है गुड कंडक्टर हैं, ये अच्छे कंडक्टर हैं। बाकी लास्ट के जो तीन हमारे पास हैं ग्रुप्स हैं, लास्ट के जो भी ग्रुप्स बचते हैं ये ग्रुप्स सही से इलेक्ट्रिसिटी को कुछ इनमें कंडक्ट नहीं करते और कुछ जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं वो थोड़ा सा कंडक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर जो है नॉन मेटल्स हैं। लास्ट के जो ग्रुप्स हैं इनमें ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स जो है वो नॉन कंडक्टर होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, एन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नंबर इज अ हाइपोथेटिकल वैल्यू असाइन टू एन केमिकल एलिमेंट इन अ कंपाउंड इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड आर लॉस्ट बाय द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, एक नंबर है जो दिया जाता है एक केमिकल एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड में। सपोज़ कोई एक कंपाउंड हमारे पास एक बना हुआ है, सपोज़ H2O है। तो अब इसके अंदर हर ये जो दो एलिमेंट्स इसके अंदर बॉन्डेड हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को एक हम हाइपोथेटिकल एक वैल्यू देंगे और वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, और वो वैल्यू जो है वो हमें ये बताएगी कि इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज़ किए हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने एटम, कौन सा जो एलिमेंट है वो कितने एटम गेन करेगा या लूज़ करेगा। तो ये एक्चुअली एबिलिटी है गेन करने की या लूज़ करने की, और वो हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर पता चलती है। सपोज़ अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है ये -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होगा, यहाँ पर +1 होगा एक हाइड्रोजन का, और दो हाइड्रोजन है तो +2, और +2 और +2 यहाँ -2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये जो है हमारे पास न्यूट्रल एक कंपाउंड आ जाता है। तो इस तरह से ये एक वैल्यू है, एक असाइंड गिवन वैल्यू है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है जो किसी भी केमिकल एलिमेंट्स को दी जाती है ताकि वो उससे हमें पता चल सके कि उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लूज किए हैं एक एक एटम के अंदर। तो इस तरह से हर एलिमेंट की अपना एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और उससे हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। तो टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट टेंड्स टू गेन आर लूज देयर इलेक्ट्रॉन हैंस शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए देखें, नोबल गैस की जो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, उसके अंदर जो लास्ट शेल जो वैलेंस शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट फिल होते हैं। तो अगर लास्ट शेल जो है ऑक्टेट है तो वो ऑक्टेट के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स फुल होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल के अंदर।
अगर लास्ट शेल डुप्लेट है तो उसके अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे ताकि उसका जो सेकंड शेल है वो कंप्लीट हो सके। तो लास्ट शेल कंप्लीट होना, इसे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और हर एलिमेंट चाहता है कि मुझे नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, तो वो इसीलिए अपना जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्हें या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने की ज़रूरत है या कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत है, हासिल करने की ज़रूरत है, ताकि वो ऑक्सीडेशन अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंप्लीट कर पाएँ। तो इसीलिए एलिमेंट्स की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं उनके ग्रुप के अंदर कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पर हमने लिखा है। सबसे पहला ग्रुप है 1A ग्रुप, और 1A ग्रुप एक इस ग्रुप के अंदर जो मेटल्स हैं, जो अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, इनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, और ये लूज़ करने की कोशिश करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 हो जाती है। अब यहाँ पर प्लस का मतलब है ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। और उसके बाद सेकेंड ग्रुप जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इनके सेकंड शेल के अंदर 2 होते हैं, इन्हें 8 चाहिए, तो ये अभी 6 किसी से ले नहीं सकते, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 होगी। तो +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेंगे। उसके बाद थर्ड जो है इसके अंदर 3+3 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3 ग्रुप की। तो थर्ड ग्रुप की 3 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो 3 लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, और ये जो है +3 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अब 4 के बाद जो ग्रुप हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आ रही होती है डिफरेंट कंपाउंड में, हर कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये अलग शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन जो है या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +4 या फिर -4 आती है। तो कभी कभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +4 आ जाती है, और कभी कभी -4 भी आ जाती है। कार्बन फैमिली के जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये +2 या +4 होती है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं या कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ करते हैं। तो इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होगी कार्बन से, क्योंकि कार्बन छोटा एलिमेंट है, तो ये जो है 4 लूज़ करता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जबकि कार्बन फैमिली के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो इसीलिए इनकी जो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अब 5A ग्रुप जो है ये टेंड करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्हें अभी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आती है। तो -3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्हें ये गेन करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे किसी और एटम से। अब दूसरे जो हैं इनके 5A ग्रुप्स के जो दूसरे एलिमेंट हैं वो कभी कभी किसी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि +3 या +5। तो +3 या +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं 5A ग्रुप के एलिमेंट्स। तो डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। कभी कभी वो सेम वही करते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से वो कभी कभी डिफरेंट तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे कि 6A ग्रुप जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्हें चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, +2 या +4 होती है। -2 जैसे कि ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन की -2 है, और बाकी के कुछ एलिमेंट्स की जो है वो +2 या +4 भी हो सकती है। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास 7A ग्रुप, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, जैसे कि -1 भी शो करते हैं, +1 भी करते हैं, +3, +5 और +7 तक भी शो कर देते हैं। तो ये आपकी न्यू बुक के अंदर ये सारे लिखे हुए हैं, आप वहाँ से इनकी वैल्यूज़ जो है वो याद कर सकते हैं। ये जो है वो
एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लें। फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -1 है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, फ्लोरीन, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको क्लियरली बताई गई है, तो ये आपको याद होनी चाहिए ताकि ये कभी एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर आज हमने दो ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस किया, जिसमें से एक ग्रुप ट्रेंड था ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो ग्रुप ट्रेंड्स होंगे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरे जो टॉपिक्स हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। जल्दी ही वीडियोज़ हमारी आने वाली हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारी वीडियोज़ का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।